Never miss a prediction videos. Channel subscribe करके bell icon press करें and stay updated for latest videos. नमस्कार, 2022 हे वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठीच नव्हे तर देशाच्याही राजकारणासाठी खूपच महत्त्वाचं ठरलं. अत्यंत आश्चर्यकारक आणि अनाकलनीय अशा घटना घडल्या आणि या 2022 सगळ्यात मोठा हिरो ठरला तो म्हणजे एकनाथ शिंदे हा नेता. एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी 2022 मध्यालाच म्हणजे 30 जून 2022 मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये आणि त्या दरम्यानच्या काळामध्ये संपूर्ण राजकारणावर आपली मोहर उमटवली. आता या क्षणाला आपल्याबरोबर पंडित राजकुमार शर्मा आहेत. आपण काही महत्त्वाच्या नेत्यांचं महाराष्ट्रातल्या चार बड्या नेत्यांचं भविष्य आणि येणारं 2023 कसं असणार आहे हे त्यांच्याकडून समजून घेणार आहोत. पंडितजी, आपलं या विशेष लाईव्हमध्ये स्वागत. मला एक सांगा की 2022 30 जूनला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होण्याचा मान एकनाथ शिंदे या तळागाळातल्या एका कार्यकर्त्याला मिळाला आणि सगळ्या देशालाच आश्चर्यचकित होण्याचा धक्का बसला. बिलकुल. 2023 हे वर्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी कसं असणार? देखिए, एक सबसे पहले तो टाइम महाराष्ट्र के दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं. आपका नया साल आरोग्यवान हो, धनवान हो और प्रसिद्धिवान हो, प्रॉस्पेरस हो. विश यू ए वेरी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर. अब आपने जो सवाल किया है वो है एक जीरो से हीरो बने हुए नेता एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदे जो है, जब हम उन, आपको याद होगा आपके माध्यम से ही मैंने भविष्यवाणी की थी कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं और महाविकास आघाड़ी जो है वो गिर सकती है. और यहाँ तक अभी आज 2023 की शुरुआत में जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एकनाथ जी की डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1964, दिन सोमवार, सॉरी दिन संडे. संडे को ही ये साल का की शुरुआत हो रही है और उनकी है धनु राशि. 23 जनवरी तक एकनाथ शिंदे के ऊपर अभी भी 7.5 का प्रकोप चल रहा है. और उस 7.5 कहते हैं जाते हुए 7.5 जो है वो बहुत बड़ा लाभ देकर जाती है. तो पिछले 2.5 सालों में चांदी की 7.5 में एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री बने. धनु राशि में जाते हुए, यानी अब जो मकर राशि पे 7.5 चल रही है वो 23 जनवरी से अगले 2.5 साल तक रहेगी, जो राज ठाकरे के ऊपर शुरू होगा 2.5 साल. तो लास्ट की 2.5 साल की 7.5 शनि कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें ह्यूमिलेट होना पड़ा, तो ये ले मैं तुम्हें एक नया जैकपॉट देता हूँ. वो जून में एकनाथ शिंदे को शनिदेव ने जो है उनके कर्मों के, क्योंकि एकनाथ जो, देखिए शनि जो है वो कर्म प्रभाव है, कर्म के ऊपर चलने वाला ग्रह है. आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको वो उपहार देता है, बुरे कर्म किए हैं तो चाहे वो अपनी राशि में बैठा है तो आपको वो लताड़ देता है, भिखारी बना देता है, बुरी हालत कर देता है. तो एकनाथ की एक खासियत आपने देखी है उनकी, कि वो जो हैं वो मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे, नेता थे कि नहीं थे, उन्होंने हर गरीब गुरबे की मदद की. प्रत्येक हर बार उनको जब भी किसी भी व्यक्ति ने बोला कि मुझे यहाँ पर आपकी ज़रूरत है तो वो खड़ा हो गया. इसलिए शनि की जो परिस्थिति है, शनि का जो हम अगर स्थान देखते हैं तो शनि की 7.5 में लास्ट 2.5 सालों में उनको सब कुछ बदल गया. एकनाथ कृष्ण पक्ष की एकादशी को उनका जन्म हुआ है, धनु राशि है और मूला नक्षत्र है. मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इस वक्त एकनाथ जी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है. राहु इस वक्त मेष और तुला राशि में बैठा हुआ है, मेष और तुला राशि में बैठा हुआ है. और राहु में इस वक्त उनकी केतु की भुक्ति चल रही है. आपको याद होगा कि 19 नवंबर के बाद मैंने बोला था कि एकनाथ जी को सोच समझ कर कार्य करने पड़ेंगे. 12 अप्रैल तक एकनाथ जी के ऊपर एक ऐसा समय है जिसमें कुछ भी अल्टा पलटी हो सकती है. अल्टा पलटी की जब मैं बात करता हूँ, मैं वापस यहाँ दोहराता हूँ मित्रों, बहुत से लोगों ने पूछा तो आज उसका जवाब दे देता हूँ टाइम महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म के माध्यम से,
कि बहुत से लोग कहते हैं कि अल्टा पलटी का मतलब क्या है, अल्टा पलटी का मतलब यही है कि सरकार यही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट, बाला साहब का की जो शिवसेना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब की छाया नहीं छोड़ी। इससे पहले जितने भी बंडखोर हुए उन्होंने बाला साहब की छाया छोड़ दी, कोई एनसीपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, किसी ने भी अपनी पार्टी अगर बनाई है तो वो एकमात्र व्यक्ति राज ठाकरे है और दूसरा एकमात्र व्यक्ति जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, जिसने बोला कि मैं तो बाला साहब के हर कार्य को संपन्न करूंगा। उसने वो आस्था, वो विश्वास, वो प्रेम, वो श्रद्धा अपने गुरु दिगे साहब के प्रति और बाला साहब के प्रति नहीं छोड़ी, इसलिए मैं उनकी पीठ थपथपाता हूं और 2023 में वो विजयी रहें और अच्छे रहें। आज ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, 12 अप्रैल तक मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं एकनाथ सत्ता में रहेंगे। अगर 12 अप्रैल निकल गई राजेश जी तो एकनाथ शिंदे जब तक एमएलए के इलेक्शन नहीं होते वो मुख्यमंत्री रहेंगे। पंडित जी तुम्ही असं म्हणाला होतात की 19 नोव्हेंबर नंतर एकनाथ शिंदे यांना काहीतरी धोका संभवतोय त्यांच्या पदाला। मी स्वतः हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूरमध्ये होतो, काही जवळच्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या बद्दल भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यावर केले, त्यांच्या काही जवळच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि तुमची भविष्यवाणी ही कुठेतरी खरी ठरते का अशी एक शंकेची पाल मनात चुकचुकायला लागली, ती एकनाथ शिंदे समर्थकांच्या मनात। मला तुम्हाला एक विचारायचंय की एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीत 2023 मध्ये जवळचेच लोक काहीतरी दगाबाजी करतील असं आम्हाला बातम्यांमध्ये वाचायला मिळतंय, माध्यमांमधला प्रतिनिधी असल्यामुळे मला ते अनुभवायला मिळतंय, बरोबर उभा असलेला माणूसच काहीतरी गडबड करतोय, याची शक्यता किती वाटते? 23 जनवरी 2023, इस बात को एक नोट कर रहे हैं आप, कौन सी डेट आपके मुंह से बोलिए, 23 जनवरी 2023, 23 बाला साहेबांचा वाढदिवस, 23 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे और 12 अप्रैल तक गुरु मीन राशि में रहेंगे और शनि और शुक्र की अभी इस वक्त युति बनी हुई है, 23 तारीख तक तो वो स्ट्रांग ही हैं, पर 23 तारीख को जब शनि कुंभ राशि मकर से कुंभ में जाएंगे तो मैं आपको बोला कि 19 तारीख से काउंटडाउन शुरू हुआ नवंबर से और ये 12 अप्रैल तक रहेगा, कहीं ना कहीं शनि कर्म प्रभाव है, चीफ जस्टिस है, न्यायाधीश है, इसके लिए शिंदे जो हैं अपने कर्मों और अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरु की सेवा, ये भारी पड़ जाती है कभी कभी आपकी बुरी ग्रह दशा के ऊपर और आप अच्छे ग्रहों में, आप राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। एकनाथ जी की कुंडली में जो आपने मुझे सवाल किया ये बहुत ही अच्छा सवाल किया, मुझे नहीं लगता किसी प्लेटफॉर्म में ये सवाल अपने को मुझे सुनने को मिला है आज तक। उनकी जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो धनु लगन की कुंडली है, दूसरे घर में शुक्र और शनि की युति है, अब ये शुक्र और शनि की युति जो है 23 जनवरी के बाद तीसरे घर में चली जाएगी, उनको धैर्य और उनको समर्थ और उनको बहादुरी ये 23 जनवरी के बाद ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उनको इस वक्त तक जो ग्रह सबसे बड़ा समर्थन कर रहा था वो था शनिदेव। शनि उनकी कुंडली में मूलतः, उनके लगन कुंडली में मूलतः शनि जो है वो कुंभ राशि में ही बैठा हुआ है। उनको शनि की साढ़े सती में भी जो फल मिला वो यूडी मिनिस्टर रहे, ठीक है, प्रताड़ित हुए, ह्यूमिलेट हुए, जो लोग बोलते हैं, मीडिया बोलता है और उनकी भाषा से लगता है, मगर कहीं ना कहीं शनि अपने घर में था इसलिए सत्ता में रहे। 2014 से आप देख लो, एकनाथ शिंदे सत्ता में रहे साढ़े सती के बीच में भी, मगर 2.5 साल की पिछली साढ़े सती जो थी चांदी की वो उनको राजा बनाकर चली गई। अब 23 तारीख को शनि बदलेगा, शनि का मतलब है शनि 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 धीरे धीरे चलता है, तो 12 अप्रैल तक एकनाथ जी को बहुत सोच समझ कर, और जो आपने सवाल किया क्या उनके अपने लोग उनको दगा देंगे, तो कुंडली ये कहती है, धनु राशि की चंद्र केतु की उनकी जो ग्रहण योग है, कुंडली ये कहती है कि डेफिनेटली 10 से 15 लोग
एकनाथ जी को दगा दे सकते हैं, यानी वो फिर से उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं, वो उद्धव के पास जा सकते हैं, उद्धव जी के पास जा सकते हैं, देवेंद्र जी के पास जा सकते हैं, एनसीपी में जा सकते हैं, वो कहां जा सकते हैं वो उनकी मानसिकता है। सी बहुत से लोग जो हैं अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ते हैं, उनका पार्टी से या उनका राष्ट्र के प्रति या महाराष्ट्र के प्रति कोई लेना देना नहीं होता, अपने प्रति तो अपने प्रति अपना स्वार्थ कि भाई मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या नहीं मिलेगा मुझे बताइए आप। तो पंडित जी मला एक सांगा की ठीक आहे, आता आपल्याला एकनाथ शिंदे यांच्या या सगळ्या गोष्टीला लवकरात लवकर संपवायचं आहे, त्यांची जी काय भविष्यवाणी आहे ती, त्यातले दोन प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचे आहेत आणि जे खूपच महत्त्वाचे आहेत। एक म्हणजे एकनाथ शिंदे हे आत्ता सध्या दोन लोकांवर विश्वास ठेवत आहेत, त्यातले एक सद्ग्रस्त आहेत देवेंद्र गंगाधर फडणवीस आणि दुसरे आहेत डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, म्हणजे त्यांच्या कामाचा भार हलका करण्यासाठी ते श्रीकांत शिंदेंवर अवलंबून आहेत आणि ते जेव्हा दिल्लीत जातात ते कुठेही मोठी गोष्ट करायला जातात तेव्हा ते देवेंद्र फडणवीसांना बरोबर घेऊन जातात आणि त्यांचे बरोबर असलेले 40 लोक या सगळ्या गोष्टी करत असतानाच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, भूखंडातला भ्रष्टाचार आला, इतर काही गोष्टी आल्या, ते अस्वस्थ झाले। तर ही जी अस्वस्थता ही 2023 एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्याला किती येणार? आणि माझा दुसरा प्रश्न आत्ता लगेच विचारून घेतो, एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे हे एकमेकाशी हात मिळवणी करणार का? ये बहुत ही सुंदर सवाल किया। महाराष्ट्र में ये सवाल मुझे बहुत से लोग कैसे करते थे ये सुनिए आप, आपके माध्यम से आपने भी बहुत बार मुझे बोला और बाकी चैनलों पे जब भी हम काम करते रहे कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होंगे। आज भी लोग मुझे महीने में 5 तो फोन करके पूछते हैं कि क्या उद्धव और राज इकट्ठे हो सकते हैं क्या, तो मैंने बहुत बार बोला कि पॉसिबल है पर अभी समय है 2026-27 जब शनि कुंभ मीन और मेष और वृषभ में जाएंगे 27 पर होने वाला हो सकता है वो भी आगे जाकर, क्योंकि शिवसेना की जो कुंडली का अध्ययन करते हैं वो बहुत मजबूत कुंडली है, जल्दी से शिवसेना खत्म होने वाली नहीं है, जल्दी से कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। ये पार्टियां जो बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार कांग्रेस का सफाया, ये सब जुमले हैं राजनीति के, ठीक है ना। हिमाचल में जीती ना कांग्रेस, अभी आगे इस बार 3 जगह पे इलेक्शन है, देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, अध्ययन हमने कर लिया है। और अभी आपने जो इतना बड़ा प्रश्न मेरे सामने खड़ा कर दिया पहाड़ के जैसा, इसका उत्तर देने के लिए 15 दिन से मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 14/6/1968 5:45 शाम को और मकर राशि, आपको याद होगा मैंने अपने 12 राशियों के कार्यक्रम में तुला और मकर राशि के बारे में 100% फायदे होते हुए भविष्य बोला है। और मैंने कभी भी किसी भी राशि और व्यक्ति के प्रति अपनी आस्था नहीं दिखाई, ग्रहों के प्रति दिखाई है, 27 नक्षत्रों के प्रति दिखाई है। मुझे अगर कोई आदमी बोलता है ये क्यों बोल रहे हो आपने, ये क्यों बोला, अरे बाबा लिखा हुआ है, मैं क्या करूं, आप इस पार्टी के नहीं हूं, आप उस, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं 27 नक्षत्र 12 राशियां और 9 ग्रहों का हूं, इन्हीं में मेरा जीवन गया है। और भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, भाग्य से बड़ा कोई नहीं है, नियति चाहती है तो राजा बना देती है, रिक्शा वाले को CM बना देती है, चाय बनाने वाले को PM बना देती है, बकरियां चराने वाले को इब्राहिम कला बना देती है। जो सवाल है उस सवाल का जवाब ये है कि 23 जनवरी से लेकर 23 अगस्त तक राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो राज ठाकरे की मकर राशि है, 23 जनवरी से उनके ऊपर चांदी की साढ़े सती शुरू होगी। ये क्या होता है पंडित जी? साढ़े सती 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एक तांबा, सोना और चांदी। तो बीच का जो 2.5 साल होता है वो सोने की साढ़े सती होती है। कुछ ग्रंथों में कुछ लिखा है, कुछ तो हमारा जो भृगु ग्रंथ है उसमें उसकी वर्णन करते हैं। तो चांदी की साढ़े सती 3, देखिए साढ़े सती जब शुरू होती है तो 5 साल आदमी बहुत व्यथित रहता है। जी जी, आज अगर हम एकनाथ जी की कुंडली का अध्ययन करें तो जब से वो UD मिनिस्टर बने तो व्यथित ही रहे,
वो मंत्री होने के बावजूद भी वो ऐसी बात होती है कि वो मंत्री हैं कि नहीं है, पावर है कि नहीं है उसके जी, 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 जी. ऐसा ही रही ना जी जी जी. तो वो कहीं ना कहीं मानसिक क्लेश से गुजरते रहे, ठीक है ना. और राज ठाकरे मकर राशि, पिछले 5 साल का तो छोड़ दो, राज ठाकरे की अगर आप पिछले 10 साल की कुंडली देखो तो राज ठाकरे को क्या मिला, जो 13 विधायक मिले थे वो भी नहीं बच पाए, नहीं बच पाए. एक विधायक है, भगवान करे 100 हो, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा. एक विधायक है जो कॉरपोरेटर थे, वो भी उनके भाई ने ले लिए, मानते ना ये बात जी. ये तो सामने है, मीडिया में है. राज ठाकरे का एक्सीडेंट हुआ, राज ठाकरे का ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना. शर्मिला जी को प्रॉब्लम हुई घर में भी, और अब वातावरण देखिए कितना सुंदर बना हुआ है. उनके पुत्र की शादी हो गई है, उनको ग्रैंडसन भी हुआ है. नए भाग्य, नई प्रवृत्ति, नए लोग, नई चीजें, घर भी उन्होंने बदल दिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह कर दिया. बहुत से बदलाव राज ठाकरे की कुंडली में 23 जनवरी 2023 के बाद. शनि 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 चलता है, चांदी की 7.5, शनि कहता है कि मैंने 5 साल तुमको बहुत रुलाया, पर जाने के पहले तुमको राजयोग देके जाऊंगा, तुमको धनवान करूंगा, तुमको समृद्धिवान करूंगा, तुम्हें आरोग्यवान करूंगा. डेफिनेटली राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे आगे आने वाले दिनों में एक मंच से अपने इलेक्शन लड़ेंगे, और एक मंच से क्यों लोगों का आह्वान करेंगे. और पॉसिबल है कि एकनाथ शिंदे को जो ठाकरे नाम चाहिए वो राज ठाकरे के रूप में मिले. लेकिन पंडित जी, राज ठाकरे जो है पार्टी जब उन्होंने बनाई तब वो कहते थे कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा. अब जब जेव्हा मुख्यमंत्री एखादा माणूस असतो तर त्या मुख्यमंत्री पदाला एक प्रतिष्ठा असते, गरिमा असते. राज ठाकरे अशा मुख्यमंत्र्याबरोबर काम करताना एकनाथ शिंदेंबरोबर सहकार्याच्या भावनेनं काम करू शकतात का, आणि ते कोणाचं तरी सुपर सिटी जी आहे ती कॅरी करू शकतात असं तुम्हाला वाटतंय का? एक बात ध्यान रखिए, बालासाहेब ने आज तक कोई पद लिया नहीं, नहीं लिया. वो हिंदू शिवसेना सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट रहे, शिवसेना के प्रमुख रहे. उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए, चीफ मिनिस्टर बिगाड़े, चीफ मिनिस्टर निकाले, मंत्री बनाए. उद्धव जी ने मुख्यमंत्री का पद लिया, समझ गए आप जी. राज ठाकरे में इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं है. अगर शिवसेना आज भी शिवसेना के प्रति राज ठाकरे का जो प्रेम है वो आपको और मुझे मालूम है, क्योंकि आप उसके नजदीक को मैं जानता हूं उनको थोड़ा बहुत, जितना भी यहां उनके जो उनकी वेशभूषा में जब भी उनकी बातें होती हैं, बाला साहब के जैसी वाणी, बाला साहब के जैसा स्वभाव, बाला साहब के जैसा प्रेम, बाला साहब के जैसा लोगों की मदद करने वाला एक व्यक्तित्व, ये तो आप में मानते हो कि नहीं जी. भाग्य नहीं था, 12 साल धक्के खाए, 12 साल बुरी हालत रही, अब भाग्य चमकेगा. और उनका सपुत्र जो है उसकी कुंडली का भी अध्ययन अगर हम अमित की करते हैं तो डेफिनेटली राज ठाकरे जो है अगले 23 जनवरी से 23 जनवरी 2024 तक आप कहीं ना कहीं सत्ता के एक प्रमुख दावेदारों में एक होंगे. देखिए युतियां बनती हैं यहाँ पे, तो महाविकास आघाड़ी बनी, कोई सोचा था कि आपने जी पटना में आपने सोचा था कि लालू और नीतीश एक बनेंगे, मुलायम और मायावती एक होंगे, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था. यहाँ पे कभी सोचा था? कांग्रेस को जीवन भर गालियां देने वाले वही शिवसेना के लोग कांग्रेस के साथ सत्ता बनाएंगे, सोच ही नहीं पाए थे आप. और राज ठाकरे तो शिवसैनिक है, शिवसेना का है, फिर एकनाथ शिंदे के साथ उसकी क्यों नहीं बनेगी? सुप्रीमेसी छोड़ दीजिए, सुप्रीमेसी किसी ने कोई नहीं करनी है. और एकनाथ तो एकदम सरल आदमी है. राज ठाकरे को अगर आप बोलोगे कि भाई तू मुख्यमंत्री बनेगा, बोला अजीबत नहीं. एकनाथ तुम्हाला चालेल चालेल, देवेंद्र फडणवीस चालेल चालेल. तो ये महायुति, ये भी तो महायुति का निर्माण हो सकता है ना, कि एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे और बीजेपी तीनों आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़े. ये पॉसिबल है कि राज ठाकरे के रूप में बाला साहब ठाकरे का एक नया स्वरूप, आदरणीय बाला साहब का नया स्वरूप राज ठाकरे के रूप में एकनाथ शिंदे को आगे लेकर आने में समर्थ हो.
जी पंडित जी, आपण हे सगळं एकनाथ शिंदेंवर बोललो, राज ठाकरेंवर बोललो, पण ह्या दोन लोकांना नेता होण्यासाठी किंवा हे दोन लोक पुढे येण्यासाठी जी व्यक्ती किंवा जो घटक कारणीभूत आहे त्या घटकाचं नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. येणारं वर्ष हे उद्धव ठाकरेंसाठी खूप महत्त्वाचं असणार आहे. मुंबई महानगरपालिका म्हणजे शिवसेनेच्या प्रतिष्ठेची लढाई, शिवसेनेच्या नाकाची लढाई होणार आहे. त्यामध्ये आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे दोघं जणं हिरीहिरीनं मैदानात उतरलेले आहेत. येणारं 2023 हे वर्ष उद्धव ठाकरेंसाठी कसं असणार आहे, कारण जसं आपण आधी म्हणालात आपल्या कार्यक्रमामध्ये की शिवसेना ही कधीच अस्तंगत होणार नाही, शिवसेना ही चिरायू असणार आहे, तो विचार चिरायू असणार आहे, कारण तो बाळासाहेबांचा विचार आहे. उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांचा विचार 2023 कशा स्वरूपात पुढे घेऊन जातील? देखिए ऐसा है कि उद्धव जी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, गुरु की महादशा चल रही है, शनि उनका सिंह राशि का है, और आदित्य की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आदित्य जो है वो एक नया हीरो बन के निकलेगा. मगर यह साल उद्धव जी को पर्टिकुलरली फरवरी मार्च अप्रैल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. राजनीति में उनको अभी यह साल बहुत उत्तम नहीं है. उद्धव ठाकरे ना 2023 हे वर्ष चांगलं नाही असं तुम्ही म्हणताय? राज देखिए उद्धव ठाकरे जी के ऊपर 2023 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज आपने सोचा था कि जून में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? सोचा था आपने? नहीं नहीं. किसने सोचा था फिर? हमने. आपने सोचा था मां विकास आघाड़ी? मैं तो चार चैनलों पे भविष्यवाणी कर चुका था कि ये सरकार गिरेगी. मेरी मस्ती भी की गई, मजाक भी बनाया गया, मगर वो जून में हो गया. ठीक है, अप्रैल में होना था, जून में हो गया, 3 महीने लेट हुआ. तो कहीं ना कहीं भाग्य जायते सर्वदा, कहीं ना कहीं भाग्य में अगर कुछ लिखा हुआ है तो होके रहता है. उसके 6 महीने 2 महीने 6 महीने इधर उधर होते हैं. पंडित जी मला एक सांगा की उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे शिवसेनेला पुढे घेऊन जाणारे हे दोन नेते आहेत, हे दोन घटक आहेत. येणाऱ्या 2023 शिवसेनेने म्हणजे जी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या गटाची आहे त्या शिवसेनेने मातोश्रीने उद्धव ठाकरेंवर जास्त भर दिला पाहिजे की आदित्य ठाकरेंवर? आदित्य ठाकरे. पंडितजी केवढं मोठं स्टेटमेंट करत आहे. डेफिनेटली आदित्य ठाकरे अपने पिता के मार्गदर्शन में और बाकी जो बड़े नेता हैं जो रह गए उनके मार्गदर्शन में अगर काम करेंगे तो. मैंने तो पहले आपको याद होगा बोला था कि ये जो सालियन कांड ये कांड वो चल रहा है वो उसमें कोई दम नहीं है ना. मी त्याच्याकडेच येणार आहे. अच्छा, आदित्य ठाकरेंवर ज्या पद्धतीचे भयंकर आरोप केले जात आहेत, कोणताही माणूस अशा पद्धतीच्या आरोपांनी दबून जाऊ शकतो, कोमेजून जाऊ शकतो, कोलमडून जाऊ शकतो. आदित्य ठाकरे हे धीराने धैर्याने पुढे जात आहेत, कोणत्या ग्रहाचा किंवा राशीचा त्यांना याच्यामध्ये फायदा होतोय? देखिए आदित्य की जब हम कुंडली की बात करते हैं आपको हैरानगी होगी कि राज ठाकरे की 14/6 है ना जी, और आदित्य ठाकरे की 13/6. एक थोड़े घंटों का मतलब फर्क है. तो अगर हम सन साइन देखें तो दोनों की एक ही है. सन साइन एंड मून साइन रहता है ना. और आदित्य की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राज ठाकरे की मकर राशि और आदित्य ठाकरे की मकर राशि, चंद्र राशि आदित्य की भी मकर है. तो इन दोनों राशियों का जब हमने अध्ययन किया, आपने देखा अपनी 12 राशियों में भी, हमने हमारे दर्शक भी देखेंगे, तुला और मकर राशि सबसे टॉप की राशि है. तो आदित्य ठाकरे के ऊपर 23 तारीख के बाद में तो वापस बहुत अच्छा योग चल रहा है. ये जो SIT इंक्वायरी शुरू हुई है, मी आता त्याच्याकडेच येणार आहे, त्यांच्यावर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई होणार की नाही होणार मला तर वाटत नाही. मराठी मध्ये सांगतो मी तुम्हाला, कुंडली मध्ये कुठेच दिसत नाही की आदित्य ठाकरे आरोपी साबित होणार. आदित्य ठाकरे की कुंडली 23 जनवरी के बाद में हो सकता है कि जैसे परसों अनिल देशमुख जी को बेल बरी हो गए. यहाँ पे तो SIT की इंक्वायरी के बावजूद भी आदित्य ठाकरे के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होगा. मैं पिछले 3 साल पहले जब भी वो लेडी का को डेथ हुई है, आत्महत्या हुई है या क्या हुआ है, उसके उस वक्त भी बोला था कि ये खानदान में ऐसे संस्कार ही नहीं है. लोग बोलते हैं ना कि वो वहां था, वो यहां था, वो ये था. अभी जो भी है वो सामने आ जाएगा. आदित्य ठाकरे जो है इस मकर राशि में 2023 के बाद शिवसेना को पुनर्गठित करके आगे लेके जाने की सोचेंगे और अगले 2.5 साल में शिवसेना को स्ट्रांग करेंगे.
इतना ध्यान रखिए, ये कुंडली सामने है, तो इस वक्त उनकी दशा भी अच्छी चल रही है। अगर हम उनकी दशा की बात करें तो उद्धव जी की कुंडली और आदित्य की कुंडली दोनों गुरु की महादशा चल रही है, और आदित्य का तो गुरु बहुत ही उत्तम है। आपको याद होगा आपके शो के माध्यम से भी मैंने बोला है कि आगे, अभी तो बच्चा है वो आदित्य ठाकरे की, अगर हम बात करें तो 31-32 ईयर का है, आगे आने वाले दिनों में 2032 के बाद आदित्य ठाकरे के योग जो है वो भी मुख्यमंत्री के बनने वाले हैं। और पॉसिबल है कि सब गिले शिकवे मिटाकर राज ठाकरे एक हो जाए, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे वापिस सर, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू हृदय सम्राट की मन की इच्छा की भारत आगे बढ़े तो हिंदुत्व झंडे के नीचे बढ़े। ठीक है, हिंदुत्वाचा झेंडा घेऊन हे सगळे लोक भविष्यात 2036 मध्ये एकत्र येतील असं पंडित राजकुमार शर्मा म्हणतायत। पण आत्ता महाराष्ट्रातला सगळ्यात बुद्धिमान, सगळ्यात ताकदवान आणि सगळ्यात करिश्माटिक असलेला जो अभ्यासून येत आहे त्याच्या कुंडलीकडे मी येणार आहे। 2023 हे या नेत्याला कसं असेल, आपल्या प्रेक्षकांना कळलं असेल मी कोणाबद्दल बोलतोय। मी बोलतोय देवेंद्र गंगाधर फडणवीस, विद्यमान उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री। पंडितजी, देवेंद्र गंगाधर फडणवीस हे परवा विधानसभेमध्ये स्वतः अजित पवारांनी सांगितलं की आजच्या घडीला महाराष्ट्राचा भाजपचा सगळ्यात ताकदवान बलदंड नेता देवेंद्र फडणवीस आहेत। पण देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 निवडणुकीला काही चुका केल्या, काही चुकीची माणसं गोळा केली आणि आता पुन्हा तेच करत आहेत असं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे। 2023 देवेंद्र फडणवीसांसाठी कसं असेल? देखिए, वो राजकीय गलतियां जो लोग करते हैं ना, वो ग्रहदशा उनसे करवाती है, वो खुद थोड़ी करते हैं। उनको पता होता है क्या कि यहां पे मैं खड्डे में गिरने वाला हूं? गिर जाते हैं। बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं कि देवेंद्र जी आपको जानते हैं, उनको बोलिए ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, ये। अरे ग्रहदशा अपने निर्माण करती है। ग्रहदशा कैसे निर्माण करती है कि उनकी केतु की महादशा थी, आप समझिए, 2019 में केतु की महादशा थी। केतु की महादशा होने के बाद 108 विधायक देवेंद्र जी लेके आते हैं तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, कितनी बड़ी विडंबना है। उस वक्त कौन था इनके साथ? खराब आदमी कोई भी नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह आकर रैलियां करके जाते हैं, 108 विधायक, यानी सामने वाली पार्टी के पास तो 3 पार्टियां मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। महाविकास आघाड़ी तो 3-4 लोग थे ना, आप सब बराबर है। क्योंकि देवेंद्र की कुंडली में केतु की महादशा चल रही थी। केतु जब भी आता है, राहु जब भी अगर खराब आपकी कुंडली में है तो वो आपको गिराता है, और गिराने के बाद आप उठते तभी हो जब केतु की महादशा खत्म होती है। 22 जुलाई 1970 नागपुर में उनका जन्म हुआ है, और मैं जो अल्टा पलटी की बात करता हूं, मैं तो इनके लिए बहुत अच्छा उत्तम समय मान रहा हूं। इन्होंने, अजीत पवार जी ने जो बोला कि सबसे ताकतवर नेता, ये तो जबी देवेंद्र जी कोल्हापुर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम जिताया था, संजय महाड़िक को, तो तभी शरद पवार, धनंजय महाड़िक तो तभी तो शरद पवार साहब ने भी बोला था ना कि देवेंद्र को मैं शाबाशी देता हूं, उसने जिस तरह से लड़ाई लड़ी। पण पंडित जी, मला तुम्हाला हेच विचारायचं आहे, आता नागपूर मध्ये जेव्हा मी होतो त्यावेळेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर झालेले आरोप, किंवा जे शिंदे गटातले 4 मंत्री जे काय दोषी ठरतायत किंवा त्यांच्यावर जे आरोप होत आहेत, या आरोपाची कुठेतरी ज्याला आपण म्हणतो की संशयाची सुई किंवा ह्या सगळ्या कागदपत्रांची देवाणघेवाण ही फडणवीसांच्या निकटवर्तीयांकडून केली जाते अशा स्वरूपाचा सूर उद्धव ठाकरेंनी काढलाय। म्हणजे एकनाथ शिंदेंना अडचणीत आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस कारणीभूत आहेत असं सांगितलं जात आहे। हे जे काय आरोप होणं किंवा हे आपल्याबद्दल संशयाचं वातावरण निर्माण होणं, हे देवेंद्र फडणवीसांच्या कुंडलीमध्ये कशामुळे होतं असं तुम्हाला वाटतं? देखिए साहब, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, दे शुड वॉक लाइक एन एलिफेंट, अपनी हाथी की। अरे भाई, अभी तो एक देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में केतु में गुरु 19 फरवरी में शुरू हो रहा है,
लोग बोलते हैं उनको दिल्ली ले जाएंगे, उनको यहाँ ले जाएंगे, अमित शाह के साथ उसकी पटती नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, ये सब जो है ना, इन बातों राजनीतिक, जितने राजनीतिक बातें आप सुनते हैं उनके ऊपर 70% उधर ही डिलीट मार दिया करें। आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतने सालों का आपका अनुभव है, 80% तो उनके शत्रु उनके बारे में। जैसे अभी लोग बोलते हैं कि चाइना की कोरोना की जो बात है वो सबसे ज़्यादा अमेरिकन मीडिया, क्योंकि अमेरिका, अमेरिका के पास फेस टाइम है, अमेरिका के पास यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, तो वो लोग ज़्यादा फैला रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह हर राजनेता जो है उसके शत्रु होते हैं, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे या उप मुख्यमंत्री हैं तो उनके शत्रु नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है? तो उनके शत्रु ये चीजें, और इनके ऊपर तो राजयोग शुरू हो रहा है महाराज, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, हाँ, 23-2-2023 के बाद राजयोग शुरू हो रहा है। तो जो अल्टा पलटी होती है, एकनाथ अगर प्रेम से हर चीज सोच समझ कर करते हैं, 12 अप्रैल निकल जाता है तो एकनाथ ही अगले एक साल और रहेंगे, मगर देवेंद्र फडणवीस वापिस मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भाई साहब आप एक बात का ध्यान रखें, अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुई। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की डेट है डिफेक्शन लॉ की, 23 तारीख को शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं, शनि कुंभ राशि ये देवेंद्र फडणवीस की है और उसका शनि उत्तम है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को एक, जो अपन जब टेनिस खेलते हैं, ड्यूइस बेनिफिट मिलेगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास देवेंद्र फडणवीस से बड़ा चेहरा है क्या? आप बताइए। मला सांगा, देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023 मध्ये कोणत्या गोष्टीची काळजी घ्यायला हवी असं तुम्हाला वाटतं? विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत करो देवेंद्र जी, जो लोग आपके आजू बाजू हैं आधे से ज्यादा आपके शत्रु हो सकते हैं। गुरु में केतु, गुरु मतलब आप अपने मन की बात करो, किसी की बात मत सुनो, सबसे बड़ा ध्यान ये रखो। और एकनाथ शिंदे जैसा समर्थ और ईमानदार व्यक्ति आपका इस वक्त जोड़ीदार है, ये युति महाराष्ट्र के लिए एक उदाहरण बनेगी। अगर आप लोगों की बात सुनोगे तो एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे के ऊपर छींटे फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। एकनाथ शिंदे, आप बोलेंगे मैं एकनाथ शिंदे के गुणगान गा रहा हूं, नहीं, उनकी कुंडली में बताता है, वो धर्मवीर दिघे साहब के शिष्य हैं, बाला साहब के शिष्य है वो। पंडित जी, माझा माझा या कार्यक्रमातला शेवटचा प्रश्न, की ज्याने आपण या कार्यक्रमाचा समारोप करणार आहोत, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघं आत्ता राज्याचे सीएम डीसीएम मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत, येणाऱ्या 2023 मध्ये हे दोघंही जर एकमेकाला धोका देऊ शकले तर कुंडलीच्या आधारावर कोण कोणाला अडचणीत आणेल असं तुम्हाला वाटतंय? कुंडली के आधार पर मुझे नहीं लगता है कि दोनों जन एक दूसरे को धोखा देंगे, कहीं भी नहीं दिख रहा। हाँ, शिंदे गुट के कुछ लोग डेफिनेटली कोई ना कोई गलती करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अनपेक्षित चीजें, 2 रुपए की अगर उनकी अपेक्षा है तो 200 रुपए मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं लोभ है वो कहीं ना कहीं आगे आता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ये युति अगले दो कितने साल रह गए, और 2 साल, अगले 2 साल साफ साफ नजर आती है। इसमें पॉसिबल है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएं और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो जाएं। ये जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है वैसा ही चलने वाला है। मगर आखिरी बात में देखो, आज की जो आपने जो शो किया उसमें सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे एक हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी साथ में समर्थन करती हुई दिखाई देती है, एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और दूसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि अजीत पवार के झंडे के नीचे, शरद पवार के झंडे के नीचे, सुप्रिया के झंडे के नीचे एनसीपी महाराष्ट्र में एक नई दिशा और एक नई जोर आजमाइश करेगी और डेफिनेटली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। येणारं 2023 हे वर्ष शिवसेना,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासाठी खूपच महत्त्वाचं आहे, कारण येणाऱ्या या वर्षामध्ये निवडणुकांचा रतीब घातला जाणार आहे. एकापाठोपाठ एक निवडणूक आहेत आणि या सगळ्या नेत्यांचं एकूणच भविष्य आणि राजयोग ताऊन सुलाकून निघणार आहे. पण जसं पंडितजींनी सांगितलं तसं येणारं 2023 हे वर्ष जितकं एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी सारखं फलदायी असेल तितकंच ते देवेंद्र फडणवीसांनाही फलदायी असणार आहे. आणि त्या तोडीने राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे दोन ठाकरे ब्रँडचे नेते देखील या वर्षावर आपली मोहोर उमटवताना दिसत आहेत. पंडितजी, आपण या आपल्या 2023 विशेष राजभविष्यवाणीमध्ये सहभागी झालात आणि अत्यंत रोचक माहिती आपल्या प्रेक्षकांना दिली, त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. आणि हे येणारं नवं वर्ष आपल्यालाही अशाच एकापाठोपाठ एक धमाकेदार भविष्यवाणी करणारं ठरो, हीच शुभकामना. साईराम साईराम.